से छूती था चाहती रुचि भिजी अझै म गर्छु एक मैजिक दिखाऊं। ये देखिए ये क्या नज़ारे हैं, ये नज़ारे सबको देखने को नहीं मिलती है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं लकी गैरेज 7201। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो और ये एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पशुपतिनाथ जी का दर्शन कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बाकी आप लोगों को लेके चलते हैं, रूम टूर आपको दे ही दिए थे। इस तरीके का रूम है हमारा और ये कुछ बाहर के लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की लोकेशन है बाहर की पूरी। तो चलिए आप मंदिर चलते हैं। म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी दो पानी आकाशमा उडी 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 म मान्छे निकै रिसाली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी दो पानी आकाशमा। ये रूम है, हम लोग निकलना है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। तो हम लोग अब होटल से निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर, आपको तो बताया ही है। चलिए आपको दिखाता हूँ। और मैंने होटल भी एकदम पास में ही लेके रखा है। रोड के उस पर पशुपतिनाथ मंदिर है और रोड के इस पर मैंने होटल ले रखा है। तो होटल का नाम अगर आपको बताऊँ तो आपको होटल का नाम बता भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। देखिए, होटल एवरेस्ट रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको काठमांडू में ही पड़ता है। पशुपतिनाथ के मंदिर जो है वहाँ से अपोजिट साइड में पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन करने। तो एक मैजिक दिखाऊं आपको, मैजिक नहीं है, सरप्राइज़। ये देखिए BR06CK7201 हमारी पड़ी, उसके ऊपर लगा हिंदू का टिकट। और ये होटल एवरेस्ट रेजिडेंसी है, इसी का वो दूसरा बिल्डिंग है। तो यहाँ पे पार्किंग यहीं पे होती है गाड़ी की। तो ये कुछ हमारी गाड़ी देखिए, इस तरीके से यहाँ मोच लगे हुए हैं। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, जब आप पुल जो आपको दिख रही है वही पुल से जब आप लेफ़्ट लोगे अगर आ रहे हो उधर से, तो इसी ऐसा लोकेशन मिले तो आप समझ जाना कि होटल यहीं पे है। और यहाँ पे आके आप किसी से भी पूछ लेना होटल एवरेस्ट, तो आपको बता देंगे। और चलिए अब चलते हैं। तो हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, रास्ते में हैं। बाकी के दोस्त लोग आगे चल रहे हैं। और ये रहा पशुपतिनाथ मंदिर का गेट। चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। पहुंच गए हैं एंजॉय करने के लिए। चलिए अब पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो में दिखाता हूं आगे। अंदर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लुक अच्छा है यार। बस अब मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है फूल की, प्रसाद वरसाद के मार्केट। और यहाँ पे बहुत सारे आपको ये सब देखने को मिलेंगे, भगवान जी की मूर्ति वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। दोनों साइड दुकानें हैं, वहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है यहाँ पे। लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, सब नेपाली में ही ले सकते हैं। अब मार्केट घूम लिया हूँ, अब चलता हूँ प्रसाद ले लेता हूँ और मंदिर के अंदर चलता हूँ। मंदिर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ तक मैं दिखा पाऊँगा वहाँ तक आपको दिखाऊँगा ही। प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हम लोग सबके हाथ में प्रसाद है। पैसा आने के बाद दो ना, पैसा का क्या है बता के दिया, हम ज्यादा नहीं देंगे प्रसाद हम लोग ले लिए हैं। अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर किला वही गेट है पशुपतिनाथ मंदिर का। जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कबूतर सब देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप उनको मतलब उसको खाना वाना खिला सकते हो, दाना वाना दे सकते हो। तो मैं आपको यहीं तक दिखा सकता हूँ, उसके आगे नहीं दिखा सकता हूँ। अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं होती अंदर में रिकॉर्ड करना। ये वहाँ पे आपको घाट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। तो याद रखना, जितना भी आप घमंड वमंड करते हो ना, सब यहीं रह जाता है आपका बस। इसीलिए घमंड मत करो, ज़िंदगी है जियो। किसी को नीचा दिखाना ऊंचा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पानी देख रहे हो ना, उसी में चले जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ के। ये भी एक ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। यही वो सीढ़ी है जिससे उतर के आप नीचे आओगे और चले जाओगे। इसी के लिए अच्छे कर्म करो, जियो और भी जीने दो दूसरे को। तो अब हम लोग पूजा वूजा कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो गया है। इसके अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो इसी के लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अलाउ ही नहीं तो मैं क्यों करूँ। आदर्श ऐसे यहाँ पे आप कबूतरों को दाना दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कबूतर सब रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने सीन उन लेने के लिए रुक गया और भगवान जी का बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है हम लोग को इस बार, एकदम सामने से दर्शन हुई है। काफ़ी सुकून मिला दर्शन करके। आप लोग एकदम जाओ, काठमांडू में ये पड़ता है पशुपतिनाथ मंदिर। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली मेम्बर में भी वीडियो शेयर करें। वो सब भी कम से कम देखे, सीखे और जाने की इच्छा लाएं। तो ज़रूर आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तभी तो अच्छा लगेगा ना। मेहनत लगता है, आप लोग समझते नहीं हो यार। प्लीज़ सपोर्ट मी। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाते रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड।